हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं है, बट यस ये किसी बुक के प्रैक्टिस सेट से लिए हुए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड आई होप कि ये आपको आता होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने लास्ट ऑपरेटिंग सेशन में पढ़ा था। तो विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एक सेकेंड, वेट अ मिनट गाइस। सो विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोगेट्स द सीपीयू टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। वो कौन सा एल्गोरिथम है जिसमें जो सीपीयू फर्स्ट टू प्रोसेस, मतलब जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट पहले आई है वो ही सबसे पहले सीपीयू को दी जाएगी। तो बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास होते हैं कुछ, हमने पढ़े थे FCS पढ़ा था, FCFS पढ़ा था, SJS पढ़ा था, शॉर्ट जॉब शेड्यूलिंग पढ़ा था, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब शेड्यूलिंग पढ़ा था हमने, राउंड रॉबिंग RR। तो ये हमने क्या किए थे, ये हमने कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े थे। तो उसी एल्गोरिथम्स में हमने, इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि वो एल्गोरिथम जिसमें सीपीयू, जो भी प्रोसेस पहले आएगा वो सीपीयू को दिया जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यही हमारा वो एल्गोरिथम है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस दी जाएगी, दैट्स इट। और शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग में क्या है भाई, जिसका काम सबसे कम होगा वो पहले आ जाओ, और जिसका काम सबसे ज़्यादा होगा वो बाद में आना। ये वाला है इसका शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग का। प्रायरिटी शेड्यूलिंग को आप समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन है और वहाँ पे हम नॉर्मल पर्सन्स भी हैं और कुछ VIP लोग भी आए हैं, नेता लोग आए हुए हैं, तो नेता लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। तो इसी में हमारा क्या है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है, उसको हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में सबसे पहले सीपीयू को देते हैं। गॉट इट। एंड ये हमारा नन ऑफ दिस हो गया। सो द आंसर विल बी फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ओके गाइस, गॉट इट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू, इट्स प्रायोरिटी is compare with the priority of, suppose कीजिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पूरा एक स्टेट प्रोसेस पढ़ी थी, पूरी तो नहीं बता पाऊँगी मैं, अब मेन बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारी कुछ स्टेट्स थी, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी क्यू हम लोगों का है, ये जब आता है रेडी क्यू में, तो ये किसके साथ कंपेयर किया जाता है, ऑल द प्रोसेस नो, सारे प्रोसेस से कंपेयर थोड़ी ना करेंगे, हम सिर्फ उसी से कंपेयर करेंगे जो करंटली रनिंग प्रोसेस में, इसका मतलब जो यहाँ पे है, ये हमारी रेडी थी। याद आया कुछ? तो ये हम किससे कंपेयर करेंगे प्रायोरिटी क्यू में, हम उससे कंपेयर करेंगे गाइस, जिसमें क्या होगा, हमारा जो रनिंग प्रोसेस होगा हम इसको उससे कंपेयर करेंगे। पेरेंट प्रोसेस ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में मुझे एलिमिनेशन लगाना है, सपोज ऑल द प्रोसेस कुछ भी नहीं है, पेरेंट प्रोसेस कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ द में बताना है और करंटली रनिंग प्रोसेस में हमें इसको बताना है। तो द करेक्ट आंसर विल बी दिस
करंटली रनिंग प्रोसेस से ही अगर मेरे पास कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और वो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, और इतने में मेरे पास कोई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए यानी जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो मैं क्या करूँगी उसमें जो मेरा एग्जीक्यूशन में है उसको ब्लॉक कर दूँगी, और जो मेरा प्रायोरिटी में आया है उसको मैं एग्जीक्यूशन के लिए दे दूँगी। ओके गाइस, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, टाइम क्वांटम इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इन ओएस। अब आपने जॉब शेड्यूलिंग में पढ़ा है, ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग में गाइस हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है FCS में क्या है भाई, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा CPU के पास, ठीक है, ये हमारा CPU हो गया। SGS में क्या था भाई, जो छोटा है पहले वो आ जाओ, जैसे हम लाइन नहीं लगाते स्कूल्स में, लाइन लगाते हम कि जो बच्चा छोटा है वो पहले आ जाओ, जो उससे बड़ा है वो बाद में आना, जो उससे बड़ा है वो फिर उसके बाद में आना। तो ये हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग। अब राउंड रोबिन में हम क्या करते हैं, राउंड रोबिन में गाइस हम क्या करते हैं, टाइम क्वांटम बनाते हैं। जैसे हम कॉलेज में बोलते थे कि हमें स्पीच देनी है या कुछ भी देना है, भाई तुम्हें एक मिनट तक बोलना है, तो वही हम यहाँ काम करते हैं, भाई ये तू एक मतलब कोई प्रोसेस है CPU को दे दिया, भाई CPU उसको क्या करेगा, एक मिनट के लिए चलाएगा, ठीक है, बोलेगा भाई एक मिनट में तुझे कंप्लीट होना है, ठीक है, नहीं कंप्लीट होना है फिर तू दोबारा आइयो क्यू के अंदर आइयो, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। तो जो भी हम टाइम क्वांटम यूज़ करते हैं किसके अंदर करते हैं, राउंड रॉबिन के अंदर, ठीक है गाइस। इनकी ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो ये लिमिटेशंस ना आप पढ़ लेना एक बारी, जो शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग की मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ लिमिटेशंस, ये एक बारी आप पढ़ लेना। ओके गाइस, सो मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ परफॉर्म डैश ए ऑपरेशन, इट हैज़ टू चॉइसेस फॉर सेलेक्टिंग अ प्रोसेस, आइदर एडमिटेड अ न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस और ब्रिंगिंग इन प्रीवियसली सस्पेंडेड प्रोसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक ऑपरेशन फॉलो करता है जिसके दो चॉइसेस हैं, अगर कोई मेरा प्रोसेस ये रहा, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक प्रोसेस है, अगर मेरे को इसको दोबारा से लाना है, आइदर एडमिटेड ए न्यू क्रिएटेड प्रोसेस, क्या मैं न्यू के अंदर जाऊँ, ठीक है, और ब्रिंग इन अ, और क्या करूँ मैं इसको दोबारा, यानी कि मैं इसको दोबारा सस्पेंडेड में ले आऊँ। तो इसके लिए हमारे क्या होते हैं, एक प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है, स्वैप इन। स्वैप इन करता क्या है बेसिकली, और एक होता है हमारे पास स्वैप आउट, ये दो हमारे ऑपरेशंस हैं। स्वैप आउट क्या करता है हमारा, ये करता है रैम से प्रोसेस को लेता है और हार्ड डिस्क में, यहाँ से रिमूव करके हार्ड डिस्क में ऐड कर देता है, और इसका ही रिवर्स स्वैप इन करता है, ठीक है, वो क्या करता है, हार्ड डिस्क से रैम में जाता है। तो मेरा बेसिकली क्या है, ये है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्वैपिंग आउट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा ऑपरेशन है सॉरी, जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर क्या होता है, उसके पास दो चॉइस होते हैं, या तो वो न्यू क्रिएटेड में जा सकता है या वो सस्पेंडेड, जो पहले सस्पेंडेड थे उसमें जा सकता है। तो ये मेरा वो ऑपरेशन है
स्वैपिंग आउट जिसके पास दो चॉइसेस होती हैं. ओके गॉट इट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रोपुट. थ्रोपुट क्या होता है बेसिकली. ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ तो नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तो थ्योरी बेसिस में पूछा जाएगा. बहुत से क्या करते हैं, ये आपको प्रोसेस की टेबल दे दी, P1 P2, इसका एग्जीक्यूशन टाइम दे दिया, इसको आप BT बर्स्ट टाइम. एग्जीक्यूशन को टाइम आप बर्स्ट टाइम भी बोल सकते हो. इसका मेरा क्या है, बर्स्ट टाइम 3 है और इसका मेरा 5 है. सो इसमें हमें थ्रोपुट निकालनी है. तो थ्रोपुट निकालने के लिए गाइस मैं क्या करूँगी, मेरे पास इसका बस टाइम क्या है 3, मेरे पास इसका बस टाइम क्या है 5, मेरे पास प्रोसेस कितने हैं 2. तो 8/2 इट मीन्स 4. तो 4 मेरा क्या हुआ, थ्रोपुट हुआ. 4 मेरा क्या हुआ, थ्रोपुट हुआ. तो थ्रोपुट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी ये ऑप्शंस चेक करेंगे हम. तो द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट और पर यूनिट टाइम. तो वो नंबर ऑफ प्रोसेस जो अपने एग्जीक्यूशन में पर यूनिट टाइम, तो ये मेरा क्या हुआ, थ्रोपुट हो गया. नंबर ऑफ प्रोसेस ले लिए मैंने, और नंबर ऑफ़ प्रोसेस लेने के बाद कि इसका एग्जीक्यूशन कितना है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, और नंबर ऑफ़ प्रोसेस जितना टाइम पर यूनिट टाइम लग रहा है उनको डिवाइड. तो ये मेरा ऑप्शन राइट है. अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट हैज़ बीन वेटेड इन रेडी क्यू, ये तो है ही नहीं, थ्रोपुट तो होता ही नहीं है, थ्रोपुट ये नहीं होता. इसमें क्या है, एफिशिएंसी. ये तो उसने स्टेट के बारे में बात की है. द अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में. नहीं गाइस, ये तो टोटल टाइम में आप लोग लोगे. तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. तो ये आपका थ्रूपुट हो गया. तो ऐसे आपसे एफिशिएंसी पूछ सकता है, एफिशिएंसी हो गया. और ये आप, मैं कुछ स्टार पॉइंट्स बता देती हूँ जहाँ से आप कवर कर लो थोड़ा सा, जैसे कि आपका टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपका, रिस्पॉन्स टाइम, इनमें डिफरेंस भी आता है ठीक है. कंप्लीशन टाइम एंड लास्ट वन आपका वेटिंग टाइम. ठीक है, तो ये आपके कुछ, तो ये आपके क्या हो गए, कुछ यही आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के कुछ की पॉइंट्स हो गए. इनको आप एक बार ही देख लेना, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम. ठीक है गाइस, तो आप इनको एक बार ही चेक कर लेना. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट भी करना ठीक है. आपको किस सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए या आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए मेनली, उसके भी आप कमेंट करके बोल सकते हो. और प्लीज़ गाइस इस चैनल को सपोर्ट कर दो ठीक है. आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट होगा. ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.